भसीन साहब, ये क्या चुनावी ढोल आप लोग बजाते रहते हैं? आप इसकी क्लैरिटी क्यों नहीं रखते? क्या आपने कभी इसको लेकर संवाद किया, बैठकर चर्चा की आपने, जो बाकी पार्टीज हैं उनको साथ लाने की कोशिश की कि हम एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी में हैं, धर्म बायस जो कानून है उनको हम रोकना चाहते हैं और एक समान कानून की हम बात करना चाहते हैं? क्या कोई भी ऐसी पहल आपकी पार्टी की तरफ से की गई और क्या ये चुनावी ढोल है 2024 से पहले? पूर्णिमा, ये चुनावी ढोल बिल्कुल नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था और इस वादे को पूरा करो और एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपने प्रश्न किया कि क्या हमने दलों से बातचीत की, आपकी जानकारी में होगा कि जो समिति है, हाई पावर कमेटी है, उसके द्वारा समाज के सभी वर्गों से बातचीत की, आज के दिन राजनीतिक दलों को बुलाया गया। एक विशेष तौर पर कांग्रेस के मित्र से कहना चाहूंगा, कृपया मेरी बात सुन लीजिए, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। तो उस समय वो बुलाए गए राजनीतिक दलों को, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से डेलीगेशन गया और सहयोग से मैं ही उसको जो है लीड कर रहा था। हमने अपनी तरफ से सुझाव दिए, लेकिन आप हैरान होंगे लेकिन क्या मुन्ना खान इसको मानने को तैयार है? क्या टीएमसी इसको मानने को तैयार है? क्या आरजेडी इसको मान रही है? सीपीआई, सीपीएम, अकाली दल, सपा, क्या इसको मानने को तैयार है? और अगर नहीं है तो कैसे इस विपक्ष को आप इस मैटर पर एक पेज पर लेकर आएंगे? क्योंकि देश में एक प्रोग्रेसिव कदम की तरफ बढ़ते हुए समान कानून और एक बड़े ऐतिहासिक फैसले की बात सरकार कर रही है। सर पूर्णिमा जी, 5 सेकंड। पूर्णिमा जी, मैं यही बता रहा था कि जिस समय ये कमेटी ने बुलाया तो राजनीतिक दलों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उसका बहिष्कार कर दिया। आज जो हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं ये वहां बोल सकते थे, वहां नहीं बोला, बहिष्कार करके गए नहीं, आपने बुलाया अच्छा था। एक बात, दूसरी, ये धर्म का विषय भी नहीं है, ये विषय हिंदू मुसलमान का विषय भी नहीं है। अगर महिलाओं के अधिकार समानता की बात है तो है, लिविंग रिलेशनशिप तो हर जगह होता है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिविल कोड खान साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पूरे समाज के अंदर सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है और क्या है सर? हवा तो है नहीं कोई, बिल्कुल समाज में सभी के समान नागरिक कानून की बात हो रही है। समान नागरिक कानून को आप लोग कैसे नकार सकते हैं सर? मैं कहता हूं पहले जो देश की जनता उसे समान कर ले, कानून तो आप बाद में लाएंगे। आज देश का मतलब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड सर, और उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास विष्णु प्रिया जी। सर एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर में अगर 5 लोग जिनको खाना नसीब नहीं हुआ, एक उदाहरण के तौर पर इसको समझिएगा, मेरे पास एक जने का खाना है फिलहाल, तो मैं उस एक को भी भूखा रखूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी बाकी बचे हुए 4 को खाना खिलाने के लिए है नहीं। यही आप करते हैं क्या अपने घर परिवार में, यही करते हैं क्या सर? या जो एक के लिए खाना है मिल बांटकर खाते हैं और कहते हैं कि पहले थोड़ी थोड़ी भूख मिटा लेते हैं और उसके बाद पेट भर के खाना खा लेंगे? मैं जवाब दूं पूर्णिमा जी? दीजिए सर। देखिए पूर्णिमा जी, हम लोग तो गांव के लोग, हम लोगों के यहाँ की अगर एक रोटी एक निवाला है, अगर मोहब्बत से प्यार से अगर 5 सदस्य में खाया जाए और प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो आराम से पेट भी भरता है और चैन की नींद भी आती है। अगर उसी एक रोटी में नफरत घोला जाए और नफरत के तरीके से खाया जाए तो ना उसे चैन मिलेगा, ना सुकून, ना नींद आएगी, ना पेट भरेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए तो कांग्रेस ही चल रही है इस वक्त, और तो कोई है नहीं। क्यों विष्णु प्रिया जी, यही है ना बात? सीधी सीधी सी ये है, मेरा कहने का मतलब ये कि एक कंसेंसस क्यों इस पे नहीं बन पा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसको लेकर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? अलग अलग स्टेटमेंट्स आपने भी सुने, मैं कहती हूँ इसको लेकर भ्रम पैदा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और उसके पीछे का मकसद उसका क्या है, ज़रूरत क्या है उसकी? देखिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं खान सर का एक छोटा सा जवाब दे देती हूँ। अभी उन्होंने बोला ना कि इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है, आप शायद भूल रहे हैं सर, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया में अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर और कहाँ है? मुझे लगता है अगर ये इंडिया में, अभी उत्तराखंड से हमारी शुरुआत है, देखिए गोवा में ये जब अंग्रेजों के जाने के बाद से अभी तक गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है और अब उत्तराखंड पहला, आज़ादी के बाद पहला, एब्सोल्युटली पहला बनेगा इतने वर्षों के बाद।
तो अगर वहाँ पे अच्छे से चल जाता है तो ये पूरे इंडिया में लागू होने में भी इसमें एक बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद लोग इंडिया से शायद ये इंडिया एक मिसाल की तरह सामने आएगा और भी देश इससे सीख लेंगे और वो भी शायद इसको लागू करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई हुआ नहीं। और रही बात जब आपने बोली कि इलेक्शन के टाइम पर ये हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ सर, ये एक साल पहले से ही इस पर काम चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी स्टार्टिंग एक जो गाँव जो बहुत फेमस गाँव है माडा गाँव उससे हुई थी, उसको पहला गांव भी बोला जाता है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में और ऑनलाइन में तो आप सबको ही अपने अपने विचार रख सकता है, प्लस सारे धर्म गुरुओं से सारे धर्मों के जितने भी लोग हैं उन सबसे पूरी प्रॉपर बात हुई है, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अरे सर आपको तो बोलना ही है, आपके सर आपके आपके पक्ष के लोगों ने भी ऑनलाइन बोली है, आपने चीजें बताई है, महिलाओं ने भी बोला है, इसके लिए पुरुषों ने भी बोला है कि यूसीसी आ जाएगा तो बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। जो कहते हैं कि ये हम यूसीसी का जो लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लेकर आ रहे हैं, नहीं सर सुनिए, सुन लीजिए ये भाजपा के नेता लोग ही कहते हैं, जितने भी इंडिया इस सेक्युलर स्टेट यहां पे बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं, 40 बच्चे होते हैं सारे धर्मों के लिए होगा ये। देखिए सर मतलब ये है कि देश को आपको शायद मुझे लगता है आपको एक बार और पढ़ लीजिएगा सर, मुझे लगता है आपसे विरोध करने के लिए एकदम तैयार है, आप एक बार पढ़िएगा सारे धर्मों के लिए होगा, जो जो कुरीतियां है जिस जिस चीजों जो जो समाज की वो सब उन सब पे काम होगा यूसीसी से, और मुझे लगता है कि ये इतनी अच्छी चीज पता चलेगा। लेकिन मैं सबसे पहले एक कह दूं, सुन लीजिए, जो मेरा संविधान कहता है हम संविधान को मानने वाले, लेकिन हमारे लिए जितना संविधान है हम अपनी शरीयत को भी मानते हैं, बिल्कुल भी आ रहे हैं दीजिए, हम भी अपनी भगवत गीता को मानते हैं, इसका मतलब ये है कि हम औरतों के साथ अन्याय होने दें। देखिए पुराने टाइम से जो प्रथा चली आ रही है उनका पालन करना बिल्कुल सही है, लेकिन आने वाले टाइम पे मॉडिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, हमें हमें टाइम के साथ मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, चीजों को उस तरीके से देखना पड़ेगा, सबको सामान्य अधिकार है, हर एक औरत को इक्वालिटी डिजर्व करती है। अगर आज अगर देखेंगे इस्लाम के नजर से अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम महिलाओं मैंने तो इस्लाम का नाम ही नहीं लिया, आप तो सारे धर्मों पे आओ, सारे धर्मों पे आओ, जहां औरतों के साथ गलत हो रहा है वहां पे ये बात हो रही है, अगर यूसीसी से औरतों को फायदा हो रहा है तो आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है? सुन लीजिए यूसीसी का किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, चलिए आप बता दीजिए यूसीसी से क्या होगा, आप यही बता दीजिए ना, क्या गलत गलत क्या होगा, बस इतना बता दीजिए सुधार की बात है। मैंने आपके ना शरिया के लिए कुछ बोला, मैंने किसी चीज के लिए संविधान के हिसाब से चलने को बोला, सामान्य अधिकार के लिए बोला, तो आज आपको ये आवाज बहुत बुरी लग रही है, कल को उसी चीज के सपोर्ट में कोई बोलेगा जब ये आ जाएगा तब आपको ये आवाज बिल्कुल ठीक लगेगी सर। हलाला की बात करी जा रही है, इज्जत की बात करी जा रही है, ये बताइए जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं सर वो इतना इतनी दुआएं देंगी ये यूसीसी आने के बाद इतना अच्छा होना, शायद आपको आपको पता ही नहीं आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं सर। सुन लीजिए ये कहा गया था कि देश सभी आप इसे छोड़िए, चलिए मैं महिलाओं की बात ही नहीं कर रही, आप लिव इन रिलेशनशिप पे आ गई है, आप लिव इन रिलेशनशिप इतने केसेस हो रहे हैं, जब ये चीज रजिस्टर्ड होगी तो कितने केसेस कम हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, हर हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक इंडिविजुअल के लिए है कि आपको उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।